ಸರ್, ಇನ್ನು ಅವರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಜಿ ಸರ್, ನಿನ್ನಂದು ನೀತಿನಿ ಪುಣಾಯ ದಿವಾಸ್ತುವಂತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮಾವಿಸುದು ಗಚ್ಚತು ವಾಯ ಚೇಷ್ಟಂ ಅದೇವ ವಾ ಮರಣಮಸ್ತು ಯುಗಾಂತರೇ ವಾ ನ್ಯಾಯಾತ್ ಸ್ವತಃ ಪ್ರವಿಚಲಂತಿ ಪದಂ ನತೀರ ಸರ್ ಟ್ರುತ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿಯಸ್ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ನಾನಂದಿತ್ರಂ ಸತ್ಯೇನ ಪಂಥಾ ಬಿತತೋ ದೇವಯಾನಂ ಟ್ರುತ್ ಇಸ್ ಪರಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಟ್ರುತ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟ್ರುತ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ಡಿಸೀಟ್ ಪೀಪಲ್ ಥ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಪಗಂಡಾ ಕೇಮ್ ಟು ಎ ನಾಟ್ when the people of India exercise their democratic choice once again in favor of Sri Narendra Modi and his majestic leadership. Sir, the electoral pundits were proved wrong. Their electoral calculus collapsed and traditional ways of looking at electoral politics from the prism of caste and community suffered irreversible changes. They have consciously voted in favor of BJP, which is committed to development and national security. People have voted for a party which does what it says and which says which it could do. There is no difference between the words and deeds. Our journey from 2014 to 2019 reaffirmed our commitment. Our Pradhan Mantri told at the beginning, Mari Sarkar Garibon ko samarpit hai. Main Pradhan Mantri nahi hu, desh ka Pradhan Sevak hu. Isko unhone palan karke dikhaya. Raghukul Reeti sada chali aayi. Pran jai par bachan na jai. भारत की जनता ने 2014 में एक मैंडेट दिया था जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा था यह मैंडेट यह सरकार देश की गरीब महिला युवा पिछड़े दलित आदिवासियों के लिए समर्पित रहेगा और हमने इसको उसकी एक लाइन की फिलॉसफी बनाई सबका साथ सबका विकास सर बहुतों ने गरीबों के बारे में बहुत भाषण दिया बहुतों ने बहुत योजना बनाई थी सबने अच्छी भावना से बनाई होगी यह मैं डिस्प्यूट नहीं करता हूं परंतु नरेंद्र मोदी ने इसको क्रियान्वित किया और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि जनता का विश्वास को जिन्होंने तोड़ा था वे आज सहन नहीं कर पाते हैं नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से सर इसमें तो गर्व करना चाहिए एक प्रधानमंत्री कभी देखा है इतिहास में बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा में कैसे परीक्षा दिया जाए आज लाखों बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उनको समझाते हैं एक प्रधानमंत्री महिलाओं के साथ वार्ता करते हैं सर कभी देखा है मन की बात में सर इसमें तो गर्व करना चाहिए सर ये उसी नीति पर आधारित है वेदांत का ये सामान्य प्रिंसिपल जिसको आधार बनाते हमें एक शाश्वत मृत्युंजयी जीवन धारा दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ये उसी शाश्वत जीवन धारा के ऊपर नरेंद्र मोदी का विचार आ रहा सर सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया इसका प्रतिफलन सबका साथ सबका विकास में हुआ है सर ये ईश्वर सर्वभूतानम हृदय सर जीर्ण तिष्ठति भगवत गीता का ये वाणी का ये राजनीति में रूपान्वित होता है नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट देना चाहिए सर मैंने देखा मैंने सुना 1971 वार में वो श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रशंसा करते हुए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ शब्दों को बाकी नहीं रखा था सर अपोजिशन का भी ये रोल होता है मुझे अच्छा चीजों को तो प्रशंसा करना चाहिए उनको देवी दुर्गा बताए थे सर सर नरेंद्र मोदी का ये कर्तव्य को प्रशंसा करने में इतना हिचकिचाहट क्यों सर ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत उपनिषदों ने बताया है सर इसको तो हमको प्रशंसा करना चाहिए उड़िया में कहते हैं जगन्नाथ दास भागवत में सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण सर जो प्रधानमंत्री ने 2014 में किया था और तब भी उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल में हिसाब देने आऊंगा सर 5 साल नहीं इस भारत की राजनीति का पहला घटना है इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड प्रधानमंत्री हर साल देश का भिन्न भिन्न भागों में जाकर के उनका अकाउंटेबिलिटी को प्रमाणित किया है ऐसा कभी किया था कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने बाकी कोई प्रधानमंत्री ने सर जनता का सेवक बताया और सेवक मालिक को हिसाब देगा इसको पूर्णतः अक्षर सर पालन किया है नरेंद्र मोदी सदस्य सर 5 साल परफॉर्मेंस के ऊपर सर मैं बताता हूं सर ये पहली सरकार है जो स्वाधीनता के लहर में सरकार आया था अलग बात है लेकिन ये पहली सरकार है जो प्रो इनकम्बेंट सरकार है 5 साल में कामों का हिसाब दिया और परफॉर्मेंस के आधार पर निर्वाचित हुआ एब्सोल्यूट बजट लेकर के निर्वाचित हुआ वी आर ग्रेटफुल द पीपल फॉर रिपोजिंग कॉन्फिडेंस इन अस पिछले 5 सालों में देश की जनता ने देश के गरीबों ने एक नरेंद्र मोदी एक्सपेरिमेंट किया था आज हमें जिम्मेदारी के साथ ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है हमने कभी नारा नहीं लगाया था बीजेपी की ओर से या एनडीए की ओर से देश की जनता ने नारा लगाया अब की बार 300 पार और यह सफल हुआ फिर एक बार मोदी सरकार सर जो मिलावटी हुआ था इस एक्सपेरिमेंट का क्या परिणाम हुआ है
सर देश की जनता ने कोई मिलावट को स्वीकार नहीं किया, ये असल माल चाह देश की जनता ने उसको करके दिखाया। इतने धूप में, इतना विपरीत परिस्थितियों में लोगों ने आकर दिन भर लाइन में खड़ा रह करके वोट दिया और सारा दुष्प्रचार को खत्म कर दिया। इसलिए भारत के जागरूक मतदाताओं का अभिनंदन करता हूँ। सर दिस वॉज एन अमेजिंग इलेक्शन, दिस वॉज वेरी यूनिक इलेक्शन, पर पीपल न्यू द रिजल्ट बिफोर द रिजल्ट केम आउट। सर दिस इज द यूनिकनेस ऑफ दिस। सर सर आप जानते हैं आज क्या हुआ रिजल्ट? बीजेपी अकेला 303, एनडीए को 353। इन दिनों में इतना बड़ा मैंडेट कोई एक सरकार के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोकसभा चुनाव में हमारी अप्रत्याशित जीत, विशेषकर उत्तर पूर्व बंगाल और उड़ीसा के जीत से नरेंद्र मोदी के ऊपर देश की जनता का विश्वास, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के कुशल रणनीति और कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से संभव हुआ। ठीक है साहब, मैं नजर डालता हूं न केवल कश्मीर से विंध्य तक, सर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हिमालय से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक, सौराष्ट्र से ब्रह्मपुत्र तक। सर मैं देखता हूं सर्वत्र ही नरेंद्र मोदी का लहर चलता है और जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया। सर पश्चिम से लेकर पूर्व तक और पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हम क्या देखते हैं? देखते हैं नरेंद्र मोदी का प्रभाव। मैं स्वयं पूर्व से आता हूं, नॉर्थ ईस्ट बीजेपी, सर नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, बंगाल, सर्वत्र जो गैर परंपरागत इलाका था इससे मैं आता हूं। इस इलाके ने, जिसमें देश के गरीब लोग रहते हैं, जो देश का सबसे पिछड़ा इलाका है, इस इलाके ने भी नरेंद्र मोदी के साथ क्यों दिया? इसका नाम है एस्पिरेशन, एस्पिरेशन फॉर डेवलपमेंट, फॉर नेशनल ग्लोरी, जिसके लिए युवाओं ने वोट दिया। जनता अब इस मूड में है कि भारत को आगे बढ़ना है, भारत को आगे ले जाने के लिए अपना पार्टी लाइन क्रॉस करके भी, तोड़ करके भी वोट देने को आगे आ गया। इंडिया विल कंकर द वर्ल्ड नॉट विद द पावर ऑफ द प्लेस बट विद द पावर ऑफ द स्पिरिट, स्वामी जी ने बताया। इसको नरेंद्र मोदी ही साकार करते हैं। सर प्रधानमंत्री कहते हैं 125 करोड़ देशवासी एक एक कदम आगे चलेंगे तो देश 125 करोड़ कदम आगे चल जाएगा। मुझे याद है एक स्कूल में मैं ये परीक्षा पे चर्चा का व्यवस्था किया था। एक बालिका ने नरेंद्र मोदी जी को प्रश्न पूछा, आप इतना परिश्रम करते हैं थक क्यों नहीं जाते हैं? उन्होंने तत्काल बताया, क्योंकि 125 करोड़ देशवासियों को मैं अपना परिवार मानता हूं। सर इतना बड़ा दिल, ये हृदय को आप प्रशंसा नहीं करेंगे, हृदय से आदर नहीं करेंगे? मैं समझता हूं कि आप पार्लियामेंट में विरोध कर रहे होंगे लेकिन अंदर ही अंदर प्रशंसा कर रहे होंगे। सर सरकार चलाने का एक यूनिक तरीका मैंने निर्माण किया, विकसित किया, ये तरीका क्या है? सर जनभागीदारी। महात्मा गांधी बोल रहे थे इस देश में करोड़ों लोगों को कैसे सुखी बनाना चाहिए, नॉट मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन विद मासेस। करोड़ों आदमियों का सुखी बनाने के लिए हमें कुछ त्याग करना होगा। सर नरेंद्र मोदी ने जनभागीदारी का, भगवत गीता में ये कोऑपरेशन का, गणतंत्र का एक सूत्र भगवान श्री कृष्ण ने बताया, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमो आप्स्यते। तेरी परस्पर श्रेय भावना, यही प्रधानमंत्री का विशेषत्व है, जन भागीदारी। उन्होंने जनता को विश्वास में लिया और हर योजना का हिस्सा बनाया। अब देखेंगे प्रधानमंत्री जितना योजना बनाया इसका मूल उद्देश्य है जनता का भागीदारी। वी कैन नॉट डिक्टेट द फेट ऑफ द मासेस, वी आर नॉट द लॉर्ड गॉड, वी हैव टू इन्वॉल्व देम। सर ये पहले कांग्रेसी शासन में या बाकी शासन में नहीं हुआ था। उन्होंने जनता का विश्वास लिया और हर योजना का हिस्सा बनाया, जनता को एहसास दिलाया कि सरकार उन पर विश्वास करती है। सर पूर्व में सर्टिफिकेट को अटेस्ट करने के लिए बच्चों कितना हैरान होते थे, सर कितना कष्ट उठाते, गजेटेड अफसर पक को जाकर के लाइन लगाते हुए कितना परिश्रम करना पड़ता था, अपमानित होना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि वही मेरे देश के सामान्य लोगों पर भी विश्वास करो, अब सेल्फ सर्टिफिकेशन से प्रमाणित की जाएगी। सर ऋग्वेद में बताया गया ये मानव समाज की उन्नति का मंत्र क्या है, देवता ने कैसे उन्नति किया उसका सूत्र बताएगा, संगच्छध्वं संवदध्वं संगवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझानान उपास। समान मंत्र समिति समानी समान मन साचित्तमेशम समान मंत्रमभिमंत्र ये वो समान वो हविषा जो समानी वो आकृति समान हृदयानी वो समानमस्तु वो मनो यथा वह सुशास। बीट अपोजिशन, बीट गवर्नमेंट, बीट पब्लिक, बीट पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, हमको एक मन होकर के चलना चाहिए, हमारा आचार विचार उच्चार समान होना चाहिए, यही प्रोग्रेस का मूल मंत्र है और इसको कार्यान्वित किया है हमारे प्रधानमंत्री। सर सर मैं आश्चर्य हो गया, मेरे गांव का जमुना मनी एक वनवासी महिला जिन्होंने कुछ काम किया मलेरिया को इराडिकेट करने के लिए, एक आशा कर्मी,
उनको ढूंढ निकाले हमारे प्रधानमंत्री ने, अलदरनाथ को ढूंढ निकाला। भारत के कई गांव में छिपे हुए ये अवलुप्त प्रतिभा को सामने ला करके प्रधानमंत्री इनको जिससे समादर किया है सर, ये अनप्रेसिडेंट है। इसके लिए क्या उनको वंदना नहीं करेंगे? आपके इलाके में भी तो होगा सर। कौन जानता था प्रकाश राव को, जो चाय बेचकर गरीब बच्चों को पढ़ाता था, उनको नरेंद्र मोदी ने आविष्कार कर दिया। सर हमें तो कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञ राष्ट्र का भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहिए। हमने जो कहा वो किया, लोगों ने बहुत कहा एंटी मुस्लिम है, लोगों ने बहुत डराया कि फलाना ये हो जाएगा, लेकिन मैंडेट जिस ढंग से आया ये पता चलता है समाज ने समरसता के लिए वोट दिया, एकात्मता के लिए वोट दिया, पार्टीजन पॉलिटिक्स के नहीं, कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए नहीं दिया। समाज का हर वर्ग ने प्रधानमंत्री को वोट दिया, आशीर्वाद भी दिया। सो दिस टाइम आवर स्लोगन बिकेम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। प्रधानमंत्री ने सबका विश्वास जीत लिया, इसलिए हमें गर्व है सर। समाज के हर वर्ग ने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया। आंकड़े बताते हैं क्या है सर। एन एनालिसिस ऑफ द रिजर्व सीट शोस दैट द पार्टी हैज वन 77 ऑफ 131 सीट्स सर इन 2019 वर्सेस 67 इन 2014 सर। आउट ऑफ द टोटल 84 एससी सीट्स बीजेपी ओन 40 इन 2019, बीजेपी ओन 40 इन 2014। Out of the total 47 ST seats, BJP won 31 in 2019, BJP won 27 in 2014. 78 women members in 2019 versus 68 women members. And so anti-Dalit, anti-SC, anti-women slogan went nowhere. Puro sir, aaj chunav ka parinam aashcharyajanak hai. Sir, ek pradhanmantri, puro pradhanmantri haar gaye. Main naam nahi leta hoon, 12 mukhyamantri haar gaye. सर क्या किसका परिणाम? बोल रहे थे नरेंद्र मोदी का क्रेज नहीं, कुछ नहीं, क्रेज नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि वो भारत माता की साक्षात महान सेवक के रूप में प्रतिभात हुए, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। सर इतना विरोध क्यों करते हैं सर? ये सामंतियों को हराया लोगों ने, सामंतियों को हराया क्यों? चाय बेचने वालों का बेटा दोबारा प्रधानमंत्री हो गया, बर्तन मांजने वालों का बेटा दोबारा प्रधानमंत्री हो गया, इसलिए इतना इंटॉलरेंस, इसलिए इतना असहिष्णुता। सर क्या आप नहीं चाहते हैं कि गरीबों का प्रतिनिधि कभी प्रधानमंत्री बने? सिर्फ जमींदारों का, राजाओं का, साजदों का प्रतिनिधि बनेंगे? लोग आज डायनेस्टिक एंटरटेनमेंट का पसंद नहीं करते, अब भी समझ नहीं पाते हो भाई साहब? मैं बोलना चाहता हूं अब तो समझो सर। इंटॉलरेंस पे भाषण देने वाले को भारत की जनता ने तो कड़ा उत्तर दे दिया। ये लड़ाई भारत की जनता ने लड़ी प्रजातंत्र के द्वारा, संवैधानिक प्रक्रिया से शांतिपूर्वक, सच्चाई की विजय हुई, इसको तो मान लेना चाहिए। क्यों नहीं मानते हो? मैं सार भारत में जनता का अभिनंदन करता हूं और कांग्रेस समेत सारा विरोधियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं, विशेषकर कांग्रेस के सारा मुख्य लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। क्यों करता हूं सर? आपने हमारा बहुत सर्वोपकार किया है सर। भगवान की इस ड्रामा में अगर हीरो होगा तो विलेन भी चाहिए, विलेन नहीं होगा तो हीरो का महिमा कैसे प्रकट होगा? सर भगवान श्री राम ने जब जंगल को गया वनवास के उपरांत, वो वापिस आया और माँ कैकेयी के पास गया, प्रणाम किया। माँ कैकेयी ने पश्चाताप पूर्वक बताया, अरे राम तू मुझे माँ कहकर पुकारता है? कहले क्यों माँ? मैं तो कौशल्या माता के पास बाद में जाऊंगा, पहले तो आपको आया। कहले माँ डाक 14 साल तक मैंने सुना नहीं। कहले क्यों? भरत माँ नहीं देखते? नहीं नहीं भरत माँ पुकारते नहीं। पूछे भरत क्यों? अरे भरत तो मुझे राक्षसी वागुनी नागुनी बोलता है। कहले भरत ये क्या है, माता जी को अपमान? कहले देखो भाई, नागुनी वागुनी राक्षसी वो बाकी लोगों को खा जाते हैं लेकिन अपना बेटा को नहीं खाते हैं, तो पति को भी खा गया, बेटे को भी। तो ऐसा बकवास मत करो, माफी मांगो। भरत ने माँ का चरण पकड़ लिया और कई कई माता आलिंगन कर लिया, आनंदा सुराग। कहले देखो भरत, 14 साल तुमने माता को प्रताड़ित किया लेकिन मातृत्व की कैसा वात्सल्य निर्जरणी भती है, देखो तुमको गदगद होकर के आलिंगन कर लिया, माफी मांगो। फिर राम ने पुकारा, पूछा माँ मेरे को क्यों माता बोलने का अधिकार नहीं? आ बोलते नहीं नहीं तुम्हारा तो अधिकार है राम, किंतु कैकेयी का नहीं है। कहले क्यों? कहले मैंने तुमको कितना कष्ट दिया। उन्होंने बोला नहीं माता, तुम तो ईश्वर प्रेरित हो, तुमने अगर मेरे को प्रताड़ित नहीं करते, वन में नहीं भेजते तो राम को कौन जान सकता था? राम तो अयोध्या की छोटा सा राज्य में राजा होकर मर जाता, लेकिन आज दिगंत विस्तारी हिमालय से कुमारिका तक, अटक से कटक तक, सौराष्ट्र से गंगा सागर तक, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक, राम का जो महिमा मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में फैला है, ये माँ तुम्हारी कृपा से हुई, इसलिए बनवा आपके कारण हमारा बहुत उपकार है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास
पहले संत और असंत दुजन को, दुष्ट और साधु को वंदना करते। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि ले ही, मिलत एक दुख दारुण देही। वो कहते हैं मैं संत और असंत, साधु और शैतान दोनों को वंदना करता हूं, क्योंकि दोनों में एक साम्य है। क्या साम्य है? दोनों ही दुखप्रद है। सज्जन का विच्छेद दुखप्रद है और दुर्जन का मिलन ही दुखप्रद है। दोनों में समान है। सर अब तो मैं निवेदन करता हूं कि जनादेश को विनम्रता पूर्वक मानने की सभ्य आचरण सीखना चाहिए। धन्यवाद देता हूं संविधान निर्माताओं को, चाहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो। नेहरू का नाम भी लेता हूं, नो प्रॉब्लम। सर लिया, वे तो थे, हम भी है। आज कई लोग उनकी अवहेलना करके इंस्टीट्यूशन को तोड़ने का काम करते हैं। मुझे नेहरू से कोई अनटचेबिलिटी नहीं है। सर इन मोर देन 7 decades ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, इट वॉज द कांग्रेस पार्टी विच वॉज इन पावर फॉर 55 years। सर स्टिल दे ब्लेम अस, 5 वर्ष में अस्थिर हो गए, अपेक्षा करना चाहिए। व्हाट इज इट्स ट्रैक रिकॉर्ड? सर इमरजेंसी में क्या क्या किया था इसको तो याद करना चाहिए। सर किन किन को जेल में पुराया था, किन किन का अत्याचार किया था, कैसे भारत की गणतंत्र का तोड़ मरोड़ किया था, संविधान का अपमान किया था, डेमोक्रेसी का हत्या किया था, सत्य का कंट्रोल किया था, ये भूल गए हैं आप लोग। व्हाट इज इट्स ट्रैक रिकॉर्ड? इमरजेंसी में किसने शिक्षा दंगा करवाया था, सिखों का हत्या किसने करवाया था? सर रिजर्व बैंक को, गवर्नर को किसने हटाया था? सर इलेक्शन कमीशन पर किसने सवाल उठाया था? सर ईवीएम मशीन को कौन दोषी ठहराया था? 3-3 प्रदेश में ईवीएम मशीन के द्वारा कुर्सी पर आने के बाद जब हारने के मौका आ जाती है तब ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, ये क्या न्याय है? सर इसी ईवीएम के प्रति तो कृतज्ञता प्रकट करो, किसने तुमको 3 प्रदेशों में कुर्सी पर बिठाया? सर इस मैंडेट को किसी का अधिकार नहीं है छीनने का, हड़पने का। जनता ने मैंडेट दिया और डिबेट्स एंड डिस्कशन करने का अधिकार दिया, लेकिन तोड़ मोड़ करने का नहीं है। सर जनता का इतना अपमान करने का अधिकार किसको है क्या? देखो इस देश में संतों का, बाबा रामदेव का, भारतीय परंपरा का, कृष्ण का अपमान करने का फल तो पहुंचता है। सर अपोजिशन लीडर भी नहीं बन पाए, 15-20 दल बैठ करके अपोजिशन भी नहीं बन। अगर मैं निवेदन करता हूं, सर थोड़ा सा समझो, इंट्रोस्पेक्ट करो। सर हमारे स्मृति दीदी ने क्या किया? अब केरल में राहत मिला, भगाई केरल में राहत मिली। सर अब तो सोचो, नम्रता दिखाओ। सर आत्मशोधन करो, पश्चाताप करो, मोदी से माफी मांग लेना चाहिए। सर हो सकता है जनता का रोष आपको इतना दूर तक भेज दिया, अगर हो सकता है सर जनता अगले बार आपको शांत होकर के विरोधी दल का मान्यता दे सकती है। मान्य सदस्य सर प्लीज, सर जनता आपको प्लीज, मान्य सदस्य प्लीज, दोबारा प्लीज आप अपनी बात कहने का मौका मिले, शांत हो जाइए। रिकॉर्ड में जाएगा, केवल मान्य सदस्य का रिकॉर्ड में जाएगा। मान्य सदस्य प्लीज, आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा सदन में, आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। प्लीज मान्य सदस्य, प्लीज मान्य सदस्य, प्लीज प्लीज मान्य सदस्य, प्लीज प्लीज मान्य सदस्य, प्लीज मान्य सदस्य, प्लीज मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, मान्य सदस्य। सर आज मैंने हमारी सरकार की कार्यशैली देखिए, ये गरीबों के लिए समर्पित है। सर एलपीजी गैस यूपीए रूल में सपना था गरीबों के लिए, आज देश में 98% टॉयलेट बनी है। सर इलेक्ट्रिसिटी 100% विलेज को गया है, 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली का कनेक्शन हो गया है। सर जनधन योजना में 1.5 साल में 34 करोड़ का अकाउंट ओपन हो गया है। सर प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी ने तो बोलते थे कि 15% पैसा जनता के पास पहुंचता है, 85% चला जाता है। सर क्यों? इसलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम हुआ नरेंद्र मोदी ने किया, वो तो बोलते थे इसको बंद करने का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। सर आज लोगों को पेंशन योजना, सर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सर
इसके द्वारा करोड़ों सैकड़ों योजना के द्वारा आज गरीब लोग डायरेक्ट बेनिफिट पाते हैं, क्या इसलिए आपको आनंद नहीं आता है? बिचौलियों की छुट्टी करो सर। सर मुद्रा योजना 14.50 करोड़ लोन सैंक्शन हुआ है, 50 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत द्वारा मुफ्त इलाज बनता है। सर मुझे दुख है, ये जो 50 करोड़ गरीब लोग उनको पैसा मिलेगा, ये उड़ीसा का नहीं मिलेगा, बंगाल का नहीं मिलेगा। सर मैं पूछना चाहता हूँ क्यों उनको नहीं मिलता है? अमार सोनार बंगलार भाई बोनेरा कि ये अधिकार पावे ना, क्या नो तो क्रोध, क्या नो तो आतो आक्रोश। राष्ट्र पैसा नरेंद्र मोदी देते हैं लेकिन अमार सोनार बंगलार भाई बोनेरा इसको पावे। सर इस विषय में विचार करना चाहिए। स्वामी विवेकानंदर भूमि, खुदिराम बोसर भूमि, सर श्री अरविंदर भूमि, रवि ठाकुर भूमि ते आज ये सामान्य जनर सुविधा मिलते पारछे ना, तई अपनार मने की दुख अच्छे ना। सर पोषण कुपोषण लाभ, सर न्यूट्रिशन प्रोग्राम मिलछे ना, सर अपने के दुख अच्छे ना। गरीब सर 1.5 करोड़ घरों का निर्माण ऐसा कई नहीं आए। सर 2022 तक सब लोगों को घर, सब लोगों को बिजली, सब लोगों को जमीन, इतना बड़ा सपना को साकार करने के लिए क्या हम हाथ नहीं मिलाएंगे? किसानों की सालाना 6,000 रुपयों का मानधन, स्ट्रिक्ट डिसीजन ऑफ फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस एट 1.5% ऑफ द 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 22 क्रॉप्स, सेज इज नॉट ए ग्रेट अचीवमेंट। 4 दशक से लंबित डिमांड को पूर्ण किया 10%। सर गरीब लोग ईमानदारी से, गरीब लोगों को रिजर्व कैटेगरी का न हो कुछ लाभ नहीं मिलता था, ये बहुत डिमांड था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हिम्मत दिखाया और विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन 10% उन्होंने एनहेंस किया। सर इसके लिए उनको अभिनंदन नहीं करना चाहिए क्या? वीकर सेक्शन के लिए उन्होंने किया, इन 2014 ओनली 59 विलेज पंचायत इन द कंट्री हैड डिजिटल कनेक्टिविटी, टुडे 1,16,000 विलेज पंचायत आर कनेक्टेड विथ ऑप्टिकल फाइबर एंड अबाउट 40,000 विलेज पंचायत हैव बीन प्रोवाइडेड विथ वाईफाई हॉटस्पॉट। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।